जबलपुर के गंगा मैया रसमंची क्षेत्र की महिला और उसकी नाबालिग बेटी पुलिस अधीक्षक से अपनी आप बीती सुनाने पहुंची। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उनके घर के पास मनीष चौहान और अमित चौहान रहते हैं। वह दोनों और उसके दोस्त घर के सामने रात में आकर गाली गलौज करते हैं। वो लोग धमकी देते हैं और फोन पर हमें गंदी गालियाँ भी देते हैं। शिकायत कराने थाने पर जब माँ बेटी पहुंची तो शिकायत भी नहीं लिखी गई। विधवा माँ और नाबालिग बेटी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मीना केवट एक विधवा औरत है और उनके दो पुत्र हैं, लेकिन चौहान फैमिली के डर के मारे दोनों के बच्चे उनके घर से भाग चुके हैं। नाबालिग बालिका ईशा कोल को भी धमकी दी जा रही है, गाली गलौज भी कर रहे हैं। वह अगर घर से बाहर जाती है तो रास्ते पर भी उन्हें धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने कई बार थाने में शिकायत कर चुकी हैं, पर अभी तक थाने से कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई है। अब देखते हैं मामला सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्यवाही करती है। सर, मैं गंगा मैया से आई हूँ। क्या दिक्कत है आपको? गंगा मैया से मैं रांझी थाने में आई थी और उनकी रिपोर्ट, मनीष चौहान अमित चौहान की रिपोर्ट डाली, हमारी कोई सुनवाई नहीं और मैं अकेली ही घर पे रहती हूँ। रात में जो आते हैं धमकी देते हैं कि ज़बरदस्ती करेंगे और आए दिन गाली बकते हैं, गेट में कहीं तलवार मारते, कहीं अद्धा पत्थरा मारते हैं। तो आप थाने गई थी शिकायत कराने? सर, थाने गई थी, थाने में पुलिस वाले एक दिन भी उनके यहाँ नहीं गए, तो वो बोलते हैं कि हम लोग तो इतना कर देते हैं, हमारे यहाँ तो पुलिस नहीं आई, हम तो पैसे वाले हैं। अच्छा, आपको आए दिन धमकी देते रहते? आए दिन धमकी देते, बोलते हमारे तो दोनों, अभी दोनों लड़के भी नहीं हैं, अभी नाइट ही में 10 लड़के लेके आया, घुस गया घर में, अभी हमारे लड़के खुद वो ही डर के मारे भागे भागे फिर रहे और अपने घर की तोड़ फोड़ करके और हमारे यहाँ आए और फिर गए थाने। उनकी मिसेस गई थाने, गई तो उल्टा हमारे बच्चों पे ही रिपोर्ट डाल दी कि हमारे घर में आके घुस के तोड़ फोड़ इन लोग ने किए हैं। फ़ोन पे गाली गलौज भी दिया आपको? फ़ोन में सर उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि उनने कैसी कैसी गाली बके हैं। अच्छा, कौन बका गाली? मनीष चौहान, अमित चौहान, ये दोनों गाली बके हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और रांझी थाने की पुलिस वाले कोई कार्रवाई उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ISP ऑफिस तक आई हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा सर मीना केवट, मैं मीना केवट हूँ। रांझी बड़ा खत्तर खटीक मोहल्ला। क्या शिकायत है आपकी? हमको मनीष चौहान और अमित चौहान बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं और घर में घुसने की धमकी देते हैं और हमारे थाने में कोई नहीं सुन रहा है। थाने वाले बोलते हैं मशीन ख़राब है, FIR ही नहीं लिख रहे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं और मनीष चौहान और अमित चौहान बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसा है, हम तो पुलिस वालों को खिला देते हैं, तो हमारी कुछ कोई नहीं कर सकता। पुलिस वाले तो क्या, ऊपर तक भी चले जाओगे तो कोई नहीं करेगा, हम बहुत बड़े गुंडे हैं, ऐसा बोलते हमसे। और कल 11 बजे रात फोन लगा के हमको बोलते हैं कि तुम्हारे घर में घुस के तुमको उठा लेंगे और हमको बोलते हैं कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर लेगा हम लोग का, हम लोग पहले के बदमाश हैं, हम एक हफ्ते से थाने में भटक रहे हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारी FIR ही नहीं लिख रहे। थाने गई थी आप? रांझी थाना। रांझी थाने में कोई सुनाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई हो रही, अभी भी रांझी थाना से आए हैं, एक हफ्ते बाद इधर आए हैं हम लोग रोज़ सुबह 10 बजे जाते हैं तो दो दो तीन बजे लौटते हैं दिन में भूखे पैसे, और कोई वहाँ पे नहीं सुन रहा है। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग भी सुनाए हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा वहाँ पे। क्या नाम है आपका?